भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा रामपुर का सम्मेलन झाकड़ी में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मंडी के लोकसभा सांसद रामस्वरूप ने शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति मोर्चा की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि आज के सम्मेलन में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी मोर्चों का सम्मेलन करवा रही है ताकि पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस दौरान उन्होंने पुलवामा हमले के जवाब में की गई कार्रवाई को सही बताते हुए कहा कि पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है जब देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के द्वारा आतंकवाद के जरिए घुसपैठ की जो कोशिशें की जा रही हैं उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत का डंका बजा है और पाकिस्तान अकेला पड़ता नजर आ रहा है। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, सभी मोर्चों के विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन हो रहे तो आज रामपुर का सम्मेलन बहुत भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता, समर्थक और इस मोर्चे से संबंधित सभी माताएं बहनें यहां पहुंची हैं और आज इस मोर्चे के माध्यम से नई योजना बनाई जाएगी। आने वाले पार्लियामेंट चुनावों के मद्देनजर रखते हुए चाइना डोकलाम में आ गया था, चाइना की फौजों को रोकना और पाकिस्तान के इस दुस्साहस को जो उसने गलती की उसको सजा उसमें देश में जाकर देना, वो काम हमारी सेनाओं ने किया है। इसलिए जहां हमारी सेनाएं को हम सलाम करते हैं, सैनिकों को, वहां हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते